Dear students, today I am going to explain you all subject EVS of class 2nd. Chapter number 4, the name of the chapter is Our House. यहाँ पे हम अपने घर के बारे में जानेंगे कि घर कैसा होता है और कितने तरीके के होते हैं. Okay? So, house is an important place in our life. जो हमारा घर होता है वो हमारे जीवन में बहुत ही important place होता है. It is a place where we live with our families and stay safely. ये वो जगह है जहाँ पे हम अपने फैमिली के साथ सेफ्टी के साथ रहते हैं. ठीक है. The saying east or west, home is the best. एक कहावत है ना, east or west, home is the best. तो ये वो वाला कहावत है कि east हो या west, हमारा घर जो है वो best है. ओके. Is true in many ways. ये हर तरीके से क्या है, सत्य है, सही है. The house gives us affection and security. जो हाउस है वो हमें अफेक्शन और सिक्योरिटी दोनों प्रोवाइड करता है. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विंड एक्सेट्रा. ये हमें हीट, कोल्ड, रेन से बचाता है, मतलब हमें प्रोटेक्ट करता है. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड बैड वेदर. ये हमें मतलब चोरों से भी, वाइल्ड एनिमल्स से भी और बुरे वेदर से भी बचाता है. ओके. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाउसेस. घर के तरीके हम तय किए हैं. हाउस आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स. जो घर होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं. सम हाउसेस आर बिग वेयर एज सम आर स्मॉल. कुछ घर बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं. सम हाउसेस आर टेम्परेरी एंड सम हाउसेस आर परमानेंट. कुछ घर टेम्परेरी होता है और कुछ घर जो होता है वो परमानेंट होता है. हाउसेस आर ऑल्सो बिल्ड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव. घर जो है क्लाइमेट को देखने के हिसाब से, मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है उसको देखने के अकॉर्डिंग भी घर बनाया जाता है. ओके. अब बात आती है कच्चा हाउसेस. कच्चा हाउसेस की बात की जाए तो यहाँ बताया जा रहा है कच्चा हाउसेस आर मेड अप ऑफ वुड, मड, स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स. जो कच्चा हाउस होते हैं वो लकड़ियों की, मिट्टी के और घास फूस के बने होते हैं. ठीक है. अ हट इज़ अ कच्चा हाउस. एक हट मतलब एक झोपड़ी जो होती है वो एक कच्चा हाउस कहलाती है. सम पीपल लिव एट वन प्लेस फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. कुछ लोग मतलब एक घर में रहते हैं बहुत ही कम समय के लिए, मतलब इस तरह के घर में. दे बिल्ड हाउस दैट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सच एज हाउसेस आर कॉल्ड टेम्परेरी हाउस. कुछ लोग ऐसे घर बनाते हैं जो कि वो एक जगह कुछ समय के लिए रुकते हैं, फिर वो जहाँ जाते हैं उनका घर वहाँ मतलब चलता है. मतलब इस तरीके से वो टेम्परेरी हाउस बनाते हैं, वो जहाँ जाते हैं वो अपने घर को भी साथ लेके जाते हैं. ठीक है. फिर पक्का हाउस की बात की जाए तो पक्का हाउस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाउस होता है. वो किसका बना होता है, वुड, ब्रिक और सीमेंट, आयरन रॉड, स्टील, इन सब का बना होता है. जैसे कि फ्लैट्स, बंगलास और ये सब क्या कहलाएंगे, पक्का हाउस कहलाएंगे. जैसे कि इन्हीं हाउसेस को परमानेंट हाउस भी कहते हैं. ठीक है. फिर है डिफरेंट हाउसेस. अब अलग अलग तरीके के घर, जैसे कि कारवान आप जानते हैं जो टेंट होता है, ये हाउस बोट होते हैं. ये सब एग्जांपल्स हैं टेम्परेरी हाउसेस के, मतलब ये कुछ समय के लिए घर होते हैं. जैसे कि जिप्सीज लिव इन हाउसेस. ओके. तो जिप्सीज लिव इन हाउसेस ऑफ व्हील्स कॉल्ड कारावान्स. तो इस तरीके से जो जिप्सीज होते हैं वो एक तरीके का हाउस पे रहते हैं जो व्हील पे रहता है, उसे क्या कहते हैं, कारावान कहते हैं. ठीक है. तो हाउसेस जो होते हैं कुछ क्लॉथ्स के भी बने हुए होते हैं जिसे टेंट कहते हैं. और एक हाउस ऐसा होता है जो कि बोट पे मतलब हाउस बोट होता है, वो क्या करता है, वो तैरता हुआ घर होता है, तो उसे फ्लोटिंग हाउस कहते हैं. ठीक है. बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं जो कि टेंट में रहते हैं, तो उनके टेंट को क्या कहेंगे, उनके टेंट को कैंपस कहेंगे. ओके.
फिर उसके बाद है एक हाउस ऐसा होता है जो कि स्नो के या फिर ब्लॉक्स के बने होते हैं जो कि आइस का होता है, तो उसे इग्लू बोलते हैं। एस्किमोस जो होते हैं वो इसमें रहते हैं, फिर वो यहाँ रहते हैं क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड प्लेस होता है, ठीक है। फिर स्टिल्ट हाउस आर बिल्ड ऑन लैंड और वाटर, जो स्टिल्ट हाउस होते हैं वो लैंड और वाटर दोनों में बनते हैं, मतलब बना सकते हैं। ये बने होते हैं बहुत ही हाई बम्बू पोल्स के बने होते हैं, तो इस तरीके के जो हाउस होते हैं वो बहुत ज़्यादा जहाँ हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पे इस तरीके के घर बनाए जाते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है, हम आते हैं अब। ओके, व्हाट आर द थिंग्स नीडेड टू बिल्ड अ हाउस, वो क्या क्या चीज़ें हैं जिससे कि आप घर बना सकते हैं, तो वो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हम जिसमें घर में हम रहते हैं वो अधिकतर बने होते हैं ब्रिक्स के, सीमेंट्स के और स्टील्स के बने हुए होते हैं। वुड और ग्लास भी यूज़ हुआ होता है, जैसे कि डोर में, विंडोज़ में वुड और ग्लास यूज़ किए जाते हैं, कांच वगैरह। बहुत सारे पीपल्स जो होते हैं वो कुछ अदर चीज़ें भी यूज़ करते हैं, जैसे कि उनके हाउस बनाने में जैसे कि स्ट्रॉ, वुड, मड एंड स्टोन भी यूज़ करते हैं अपने घर को बनाने में, ठीक है। फिर है डिफरेंट रूफ्स ऑफ हाउसेज, घर की छत अलग अलग तरीके की बनती है, वो कैसे। हाउसेज ऑन हिल्स हैव स्लोप रूफ, जो हिल पे घर होती हैं उनकी जो छतें होती हैं वो ढलान जैसी बनी होती है, मतलब कि स्लोपिंग रूफ बनी होती है। People live in area where it rains lot make houses on stilts with sloping roof, जहाँ पे लोग रहते हैं जिस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उनकी छत भी stilt with मतलब sloping roof बनाते हैं stilts की मदद से, ठीक है। फिर है people living in प्लेन्स यूजली मेक हाउस विद द फ्लैट रूफ, जो जो लोग प्लेन्स में रहते हैं मतलब कि जहाँ की सतह एकदम नॉर्मल होती है, तो वहाँ के लोग जो अपने घर बनाते हैं वो फ्लैट रूफ बनाते हैं, ठीक है। उनके छत क्या होती हैं, फ्लैट होती हैं। फिर उसके बाद है हाउ कैन वी डिफाइन अ गुड हाउस, एक अच्छे घर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो एक गुड हाउस वो होता है जहाँ पे परमानेंटली फ्रेश एयर आए, सन लाइट आए, तो वो क्या होती है, गुड हाउस होती है। जो गुड हाउस होती है उसमें क्या होते हैं, उसके अगल बगल ट्रीज पाए जाते हैं। फिर यहाँ बताया जा रहा है अ गुड हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन, एक अच्छा घर साफ और सुथरा होना चाहिए, ठीक है। फिर है पार्ट्स ऑफ अ हाउस, हाउस के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सम हाउस आर स्मॉल एंड सम हाउस आर बिग। इन बिग हाउस हाउसेज कुछ घर क्या होते हैं, छोटे होते हैं, कुछ घर क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो जो घर बड़े होते हैं देयर आर मेनी रूम्स, उनमें बहुत सारे कमरे होते हैं। अ बिग हाउस हैज़ अ ड्राइंग रूम, अ डाइनिंग टेबल, अ किचन, अ स्टडी रूम, अ बाथरूम एंड वन और टू बेडरूम्स। अब जो बड़े घर होते हैं उनमें क्या होता है, ड्राइंग रूम्स होते हैं, मतलब ड्राइंग रूम होता है, एक डाइनिंग टेबल होता है, सॉरी डाइनिंग रूम होता है जहाँ आप खाना खाते हैं, एक किचन होता है जहाँ खाना बनता है, और एक स्टडी रूम होता है जहाँ आप पढ़ते हैं, एक बाथरूम होता है जहाँ आप नहाते हैं, और एक या दो बेडरूम होते हैं जहाँ पे आप सोते हैं, ठीक है। पिक्चर्स भी दी गई है, नाम भी दिया गया है। फिर उसके बाद है पीपल हु हेल्प मेक अ हाउस, लोग जो हमारी मदद करते हैं घर बनाने में, ठीक है। तो मैनी पीपल हेल्प इन बिल्डिंग अ हाउस, बहुत सारे लोग हैं जो कि घर के बनने में मदद करते हैं। फर्स्ट द आर्किटेक्ट, एक आर्किटेक्ट क्या करता है, वो प्लान ड्रॉ करता है हाउस का, मतलब वो स्ट्रक्चर बनाता है। फिर उसके बाद जो मेसन होता है, मतलब जो मिस्त्री होता है, वो क्या करता है, ब्रिक्स और प्लास्टर करता है, मतलब कि ईंटों को रखता है और प्लास्टर करता है। फिर प्लम्बर जो होता है वो क्या करता है, पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी का मतलब वायरिंग पूरा करता है। फिर पेंटर आता है जो कि पूरे घर को क्या करता है, पेंट कर देता है। फिर आगे है वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन एंड डर्ट फ्री,
हमें अपने घर को गंदगी से दूर साफ रखना चाहिए. वी शुड चेक द ग्रोथ ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज रेगुलरली. हमें हर समय चेक करना चाहिए कि हमारे आस बगल या फिर हमारे घर में मॉस्किटोज तो ज़्यादा नहीं आ रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा फ्लाइज तो नहीं हैं. तो इस चीज़ की चेकिंग भी करनी चाहिए. वी शुड स्वीप एंड मॉप द डोर्स डेली. यहाँ डोर्स नहीं होना चाहिए, यहाँ फ्लोर्स होना चाहिए. ठीक है, एक मिनट. ओके, फ्लोर्स मतलब कि हमें ज़मीन पे हर समय झाड़ू और पोछा लगाना चाहिए. ठीक है, तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है. चलिए हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं. ओके, सो टेक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट इज हाउस गिव्स अस अफेक्शन एंड डैश. योर आंसर इज सिक्योरिटी. सेकंड इज हाउसेस आर आल्सो बिल्ड अकॉर्डिंग टू द डैश ऑफ द प्लेस. योर आंसर इज क्लाइमेट. नाउ थर्ड नंबर इज मेनी सोल्जर्स लीव इन टेंट्स इन देयर डैश. योर आंसर इज कैंपस. फोर्थ इज डैश हाउसेस आर फाउंड इन प्लेसेस वेयर हैवी रेनफॉल. योर आंसर इज स्टिल्ट. ओके, नाउ फिफ्थ इज पीपल लिविंग इन प्लेन्स यूजली मेक हाउसेस विथ डैश रूफ्स. योर आंसर इज फ्लैट. नाउ राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. सो फर्स्ट इज द हाउस गिव्स अस अफेक्शन एंड सिक्योरिटी. योर आंसर इज ट्रू. ओके, नाउ सेकेंड इज कारावान टेंट एंड हाउस बोट्स आर एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेरी हाउस. सो इट इज ट्रू. ओके, गलती से यहाँ पे फॉल्स हो गया, आपको क्या लिखना है यहाँ पे ट्रू. ये क्या है, ट्रू है, ये एक टेम्परेरी हाउस होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज थर्ड नंबर इज अ हाउस मेड ऑफ स्नो और ब्लॉक्स ऑफ आइस इज कॉल्ड एन इग्लू. योर आंसर इज ट्रू. नाउ फिफ्थ नंबर इज वी डू नॉट लिव इन हाउसेज मेड आउट ऑफ ब्रिक सीमेंट एंड स्टील. इट इज फॉल्स. फिफ्थ इज हाउसेज ऑन हील्स have flat roofs. False. Now filling the blanks. Okay, filling the blanks with the correct word. Okay, so first is we stay dash in our houses. Your answer is safe. Second is flats and bungalows are called dash houses. Your answer is permanent. Now third is a dash is a floating house. Your answer is houseboat. Now fourth is dash houses are built on land or water. Your answer is stilt. Fifth is the dash lays the bricks and plasters in a house. So your answer is mason. In this way your chapter is completed. You will get all the answers of the questions as your homework. So that's all for today. Thank you so much.